हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत जर्मनी में भी थी और इसका पर्पस था कि लोगों में ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। ब्रेन ट्यूमर दो तरह के होते हैं, जो ब्रेन से आते हैं जिनको हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, और जो बाकी कैंसर के फैलने की वजह से आते हैं जिनको हम सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स में 70% मतलब मेजॉरिटी ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं और क्योरेबल होते हैं, और 30% ट्यूमर्स मैलिग्नेंट होते हैं जिनके लिए सर्जरी और बाकी इलाज भी करना पड़ता है। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स या साइंस डिपेंड करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर किस जगह पे है या वो दबाव की वजह से होते हैं। ब्रेन ट्यूमर हमें अगर हाथ पैर के एरिया के पास में है तो हाथ पैर की कमजोरी से, आँखों में रोशनी कम होने से, सुनने की परेशानी से, निगलने बात करने की परेशानी से आ सकते हैं, या फिर सर दर्द, उल्टी और वॉमिटिंग के साथ, आँखों में धुंधलापन या दौरों के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स की जांच में सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है MRI ब्रेन का, जो कि कंट्रास्ट के साथ किया जा सकता है। इसको आम भाषा में रंगीन MRI भी कहते हैं। इससे हमें ट्यूमर के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है। कुछ और जांचें हैं जो किसी किसी मरीज़ में ज़रूरी होती है, जैसे कि CT स्कैन, ब्रेन की एंजियोग्राफी या फिर PET स्कैन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इलाज के हिस्से में सबसे ज़रूरी है ऑपरेशन, सर्जरी। सर्जरी से अगर सामान्य गठान है तो हो सकता है कि हम उसको पूरा निकाल पाए। अगर वो कैंसर की गठान है तो हो सकता है हम उसको छोटा करें, उसका एक बायोप्सी का टुकड़ा ले लें ताकि हम आगे का ट्रीटमेंट उससे तय कर सकें। ऑपरेशन आजकल माइक्रोस्कोप से होता है, कंप्यूटर गाइडेंस के द्वारा, जिसको हम नेविगेशन कहते हैं, उसकी मदद ली जाती है, और बहुत सारी तकनीकी नवीनीकरण से बहुत आसान हो गई हैं ये चीज़ें। ऑपरेशन के अलावा एक रेडियो सर्जरी होती है, जिसमें कि किरणों से ट्यूमर का रेट जो है कंट्रोल किया जाता है, या फिर उसको ठीक भी किया जा सकता है। कैंसरस गठान में हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ सकती है ऑपरेशन के बाद में। अब बात करेंगे हम कि ऑपरेशन के बाद जीवन कैसा रहता है। अगर सामान्य गठान है तो 70% जो कि होते हैं इस तरह के ट्यूमर्स में, उसमें अगर ट्यूमर पूरा निकल जाए तो पूरी ज़िंदगी कोई तकलीफ नहीं रहती है। कैंसर्स की गठान में हो सकता है ट्यूमर ठीक ना हो, पर एक अच्छी जीवन बिताने का मौका मिल सकता है।